है वो होने वाला है आय और उत्पादन का जो निर्धारण है वो कैसे होता है, यानी इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। हम जो लास्ट चैप्टर पढ़े वो हमारे कंप्लीट होने चाहिए क्योंकि उनसे जुड़ी हुई चीजें ही हम यहां पे देखने वाले हैं, और उसके साथ में दो चीजें और जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। ये अगर आ गई तो आप आसानी से इसका निर्धारण जो है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आय और उत्पादन का निर्धारण। तो आय और उत्पादन निर्धारण कैसे किया जाता है यही चीज हमें समझना है, यानी इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, अब ये हम समझेंगे। ये समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति की। देखिए अब समग्र मांग पे आते हैं हम। ये जो हम उत्पादन का निर्धारण है, सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रख लेना, ये हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में करेंगे, यानी जहां पर अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है केवल, एक तो है उत्पादक क्षेत्र और एक है घरेलू क्षेत्र। ठीक है ना, ये दो क्षेत्र होंगे वहीं पे हम निर्धारण करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए आप समग्र मांग क्या होती है। देखिए व्यक्तिगत मांग आपने पढ़ रखी है, यानी व्यक्तिगत मांगों को जब आप सारी मांगों को मिला लेंगे, यानी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मांग की जाती है एक वर्ष के अंदर एक देश में, वो कहलाती है समग्र मांग, यानी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना, देखिए जैसे मैंने यहां लिख भी रखा है, एक वर्ष में वस्तु और सेवा की जाने वाली मांग। ठीक है ना, ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, अब इसको समझने की कोशिश करना आप, समग्र मांग में होती क्या क्या चीजें है। देखिए समग्र मांग जो है वो, क्योंकि हम जितनी मांग करते हैं डिमांड करते हैं, यानी हम जितना खर्च करेंगे, यानी जो हमारे जो हमने पहले खर्च पढ़े थे ना, कौन कौन से खर्च, चार प्रकार के खर्च, एक तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी यहां पर क्या करेंगे आप, सी यानी उपभोग खर्च प्लस आई यानी निवेश खर्च प्लस जी यानी गवर्नमेंट खर्च प्लस एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात, ये सब जुड़ जाएगा। तो ये जो एक ओपन इकोनॉमी होती है, जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कहलाती है समग्र मांग। क्या कहलाती है, समग्र मांग। क्योंकि जो उपभोक्ता द्वारा, जो निवेशकर्ता द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके द्वारा जो मांग होगी वही टोटल मांग होगी। तो इन चारों से बनके क्या बनेगी, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बनेगी। हमें क्या पढ़नी है, दो क्षेत्र में पढ़नी है, बंद अर्थव्यवस्था में पढ़नी है, क्लोज इकोनॉमी में पढ़नी है। तो जो क्लोज इकोनॉमी होती है, बंद अर्थव्यवस्था, वहां पर दो चीजें नहीं होती है, एक तो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर नहीं होता है, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो नहीं होता है। यानी यहां पर जो हमारी समग्र मांग का जो पार्ट होता है वो होता है सी प्लस आई। समझ गए आप इस चीज को। अब यहां देखिए C प्लस आई यानी उपभोग मांग और I यानी निवेश मांग। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसमें इनको कौन कौन प्रभावित करते हैं, ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पता हो। उपभोग को एक तो यानी B, यानी कि B को हम बोलते हैं MPC यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति प्रभावित करती है। ठीक है ना, और एक और क्या प्रभावित करती है उपभोग को, वो पड़ता है आय का स्तर, यानी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, आय कम होती है तो उपभोग भी कम हो जाता है। ये हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ओके। एमपीसी जो है वो दी भी होती है, यानी मेनली जो सी है वो किसका फलन होता है, वो होता है वाई का। ठीक है ना, यानी आय का। ठीक है, ये कहलाता है हमारा सी जो है वो किसका फलन होता है, आय का, इनकम का। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश मांग होती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। एक तो होती है इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट जो है वो अधिकतर स्थिर रहता है, इसलिए इसको इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज होती है इसमें MEC यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये चीज इसको प्रभावित करती है। यानी आप एक चीज सीधी सी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, यानी बंद अर्थव्यवस्था में जो उपभोग मांग होती है वो होती है सी प्लस आई। ठीक है, इसका वक्र कैसे बनता है और कैसे क्या किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये चीज आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं यहां पर वक्र, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, अब चलते हैं समग्र पूर्ति। जिस तरीके से सभी के द्वारा जो डिमांड की गई वो समग्र मांग, तो मार्केट में जितनी भी उत्पाद की पूर्ति मौजूद है वो समग्र पूर्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, तो देखिए यहां एक वर्ष में उत्पाद की कुल पूर्ति जो टोटल सप्लाई होगी वो। ठीक है ना, अब देखिए सप्लाई में से कुछ पार्ट जो है वो कुछ पार्ट तो क्या किया जाता है, बचत कर लिया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, बचत कर लिया जाता है, और वो बचत क्या किया जाता है, बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस पर, पूंजीगत वस्तुओं पर। किस पे किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं पर। ठीक है ना, ओके।
और एक चीज होती है उपभोग व्यय, जिसको हम बोलते हैं सी। ये क्या किया जाता है, उपभोग व्यय जो है वो उत्पादन पर खर्च किया जाता है। किस पर? उत्पादन पर, ठीक है ना। यानी जो पूर्ति है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस एस, यानी उपभोग व्यय और बचत, ठीक है, समझ गए आप। और पूर्ति को अगर आप टोटल देखते हैं तो एक तो वो पूर्ति होती है जो बेचने के लिए तैयार है, जो मात्रा, उसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ति मात्रा, ठीक है ना। और कुछ वो भी होती है सप्लाई, जो बचे हुए स्टॉक यानी स्टॉक में रखी जाती है, उससे मिलकर बनती है समग्र पूर्ति, ठीक है ना। तो यहां पर अब मैंने आपको बताया सी प्लस एस यानी उपभोग व्यय और बचत, इन दोनों से मिलकर बनती है क्या, समग्र पूर्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है ना। जो बचत है वो निवेश की जाती है, निवेश पर व्यय की जाती है, और जो सी है उपभोग व्यय यानी उत्पादन पर खर्च किया जाता है। अब देखिए आप, अब दोनों चीजें आप समझ गए, अब दोनों के वक्र कैसे बनते हैं वो चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वक्र बनाने के लिए कुछ नहीं, अपन ने पहले जो आपने लेक्चर अगर सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इधर देखिएगा, ये मिटा देता हूं मैं। देखिए जो समग्र मांग का जो वक्र बनता है, अपन ने पहले उपभोग फलन पढ़ा है, पढ़ा है ना अपन ने उपभोग फलन। उपभोग फलन में अपन ने क्या पढ़ा था, उपभोग फलन में अपन ने पढ़ा था ये उपभोग फलन यहां से आता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम a प्लस बी वाई, आप चाहो तो यहाँ पे d भी लगा सकते हो, ठीक है ना। क्या है ये, ये है c, c बराबर a प्लस बी वाई। यहां से क्यों हो रहा है ये उपभोग, क्योंकि i जब हमारी जीरो होती है तो भी हम कुछ ना कुछ उपभोग करते ही हैं, पता है ना आपको, इसको शायद उपभोग बोलते हैं जो किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। ये हमारा i का स्तर हो गया इधर, और इधर हो गया हमारा उपभोग, है ना। अब हमें एक और चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, निवेश, ठीक है ना। अभी मैंने यहां सिर्फ उपभोग रेखा बनाई है, हमें क्या चाहिए, C प्लस आई, यानी ये दोनों चीजें चाहिए समग्र मांग के लिए। ये हमारा C तो हो गया, अब I चाहिए। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट भी यहां पर स्वायत्त होता है, स्वायत्त यानी यहां पे इन्वेस्टमेंट किसी से प्रभावित नहीं होता है, खास तौर से इनकम से, ठीक है ना। तो स्वायत्त जितना भी स्वायत्त इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे 10 हुआ तो वो लगभग लगभग सभी स्तरों पर 10 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वायत्त एक सेम रहता है। तो इसी के समानांतर जब मैं इन्वेस्टमेंट इसमें जोड़ दूंगा तो इसी के समानांतर ऊपर की ओर जो रेखा आएगी ये हो जाएगी हमारी C प्लस I, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट भी जुड़ चुका है। सी तक तो यहां था, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाया, क्या कहलाया, इनकम, डेल्टा आय, यानी इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन हुआ, तो ये स्वायत्त इन्वेस्टमेंट था ये हमारा यहां पर आ गया, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको आई ए भी कर सकते हो, ये स्वायत्त होता है यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कहलाती है हमारी कौन सी, समग्र मांग वक्र, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। नीचे वाला सिर्फ उपभोग वक्र है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब चलते हैं हम समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति वक्र कैसा बनता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले कैसे पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें जो हमने आई रेखा बनाई थी ये 45 डिग्री की रेखा वाली, ये जो है ये समग्र पूर्ति कहलाती है, सी प्लस एस। क्यों कहलाती है, क्योंकि जो इनकम होती है, जो भी इनकम होती है, उस इनकम को हम या तो उपभोग करते हैं या बचत करते हैं, ये चीज हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो उपभोग और बचत करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, हमारी आय के बराबर होगी। तो ये जो 45 डिग्री की रेखा होती है ये हमारी C प्लस एस यानी समग्र पूर्ति वक्र कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ये हमारा समग्र मांग वक्र हो गया, ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य स्तर यानी संतुलन का स्तर। अब संतुलन का स्तर कैसे निकालेंगे, संतुलन का स्तर निकालने के लिए कुछ नहीं, दोनों वक्र जो है ये जहां पर देखिए यहां लिख रखा है आई या उत्पाद का वह स्तर जहां ए डी बराबर ए एस हो, यानी एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड है हमारी और ये एग्रीगेट सप्लाई है हमारी, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। कहां बराबर होगी ये दोनों, ये दोनों वहां बराबर होगी जहां पर दोनों वक्र एक साथ बनाएंगे। ये हमारा बना मान लो ए डी ए एस 45 डिग्री की रेखा, और ये हमारा बना ए डी यानी समग्र मांग। दोनों कहां बराबर है, इस जगह बराबर है, यानी यहां पर हमारा आय का स्तर निर्धारित होगा, ई बिंदु कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां आय कितनी है, ओ वाई, और ये हमारा उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट यानी ए डी, और उपभोग प्लस सेविंग यानी ए एस, ठीक है ना। ओके, तो ये हुआ यहां पर एक तरीके से साम्य स्तर का निर्धारण होता है, ये हमारा साम्य उत्पाद या साम्य आय का स्तर कहलाता है, जहां पर AD और AS क्या है, बराबर है। एक चीज और, ये अगर असंतुलन होता है, मान लो यहां ऊपर की ओर अगर इस जगह हो जाए तो यहां पर आय का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां देखिए यहां AS ज्यादा है, AS ग्रेटर देन AD, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है,
अपस्फीति कारक अंतराल कहलाता है, अपस्फीति अंतराल कहलाता है ये, ठीक है ना। किंस महोदय ने स्फीति अंतराल जो कहा है वो इसको कहा है। यहां पे देखिए, अगर आय का स्तर कम हो जाता है वाई टू, तो यहां क्या है, एडी जो है वो ग्रेटर देन है एएस से, ठीक है ना, एडी ग्रेटर देन एएस, तो इसको बोलते हैं स्फीति अंतराल, स्फीति कारक अंतराल, स्फीति कारक, ठीक है ना। ये दोनों ही स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है। दोनों ही स्थिति में क्या होता है, जब एडी ज्यादा होती है तो क्या किया जाता है, मांग को, जो समग्र मांग है वो कम की जाती है, मांग को कम किया जाता है, और यहां पर क्या होता है, डिमांड कम है, यानी यहां पे समग्र मांग को बढ़ाया जाता है और वापस संतुलन का स्तर इसी जगह पर आ जाता है। तो ये कहलाता है हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य स्तर का निर्धारण, इस तरीके से होता है। अगर आप चाहें, अगर वक्र के अकॉर्डिंग के अलावा और भी समझना चाहें, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मैं इसको मिटा के आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम समीकरण के अकॉर्डिंग जाना चाहें, तो क्या समीकरण बन रहा था हमारा, ए डी बराबर ए एस, है ना, यही है हमारा संतुलन का स्तर, ठीक है ना। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो AD क्या था हमारा, AD था हमारा C प्लस आई ए, आप चाहे तो A लगा सकते हो, बराबर AS क्या था, Y था, है ना, यानी Y बराबर C प्लस आई ए, भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब Y यानी AS को हम Y भी कह सकते हैं, आई रेखा, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब क्या है यहाँ पर, Y बराबर C क्या था, A प्लस बी वाई प्लस आई ए, यही था, ठीक है। तो Y माइनस ये जो है ये इधर आ जाएगा बी वाई, है ना, बराबर ए प्लस आई ए, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस बी, ठीक है, बराबर ए प्लस आई ए, और आपको पता है यहां पर वाई बराबर वन अपॉन वन माइनस बी बराबर ए प्लस आई ए, ठीक है। और बी को हम एमपीसी बोलते हैं, तो आप चाहे तो इसके ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी बराबर ए प्लस आई ए, ठीक है। और या फिर आप 1 माइनस एमपीसी एमपीएस भी होता है, तो ये इससे भी निकल सकता है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस बराबर ए प्लस आई ए। यानी इस तरीके से समीकरण के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए और फिर आय का स्तर पूछा जाए, तो आप वाई बराबर कैसे निकाल सकते हो, ये गुणक निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, फिर स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश जो है उनको आप ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, और फिर आपका लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण आप के रूप में आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका आय और उत्पादन का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऐसे किया जाता है। एक और चीज, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के अलावा निवेश और बचत के द्वारा भी आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये आपने उतार लिया होगा, चलो इधर बता देता हूं मैं आपको, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के अलावा बचत और निवेश के द्वारा भी आप आय का स्तर का निर्धारण कर सकते हो। देखिए इधर, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये ओ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए इधर, जो हमारा जो निवेश होता है वो स्वायत्त होता है, यानी ये जैसे स्वायत्त है, ये यहाँ पे आईए कहलाया हमारा, ठीक है ना, ये समानांतर बनता है एक्स अक्ष के, ठीक है, स्वायत्त है क्योंकि सभी लेवल पे समान है, यानी ऊपर है, तो यानी मान लो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी बचत है, सेविंग है, वो इस तरीके से यहां से निकली, ये हमारा सेविंग कहलाई, ठीक है ना। तो ये दोनों कहां पे, यहां पे, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा और यहां आय के स्तर का निर्धारण हो जाएगा। इधर हमारा निवेश और बचत हो गया, ठीक है ना। यहां पर भी वही चीज, या तो ये असंतुलन हो सकता है या फिर इधर हो सकता है असंतुलन, ठीक है ना। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो बचत ज्यादा है और निवेश कम है, ठीक है, या फिर निवेश ज्यादा है और बचत कम है, ठीक है ना। तो दोनों ही स्थितियों में पुनः संतुलन इस बिंदु पर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, बचत ज्यादा होगी तो इसका मतलब पैसा पड़ा है तो वो क्या करेगा, निवेश जो है वो ज्यादा करेगा, निवेश ज्यादा करेगा तो बढ़ाएगा और वापस यहां पर, बचत कम करेगा और यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका उल्टा भी हो जाएगा, ओके। तो गोट इट, ये आयो उत्पादन का निर्धारण। इसके बाद हम पढ़ेंगे निवेश गुणन, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।